इससे पहले हमने फॉर्मल लेटर्स के बारे में बात की, अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेटर टू एडिटर की। लेटर टू एडिटर एक पर्पस के लिए लिखा जाता है, जिसमें किसी न्यूज़पेपर में आप कोई खबर निकलवाना चाहते हो तो आप उस न्यूज़पेपर के हेड को, दैट मीन्स एडिटर को, एक लेटर लिखते हो कि वो अपने न्यूज़पेपर में सर्टेन न्यूज़ जो आप न्यूज़पेपर में निकलवा कर लोगों का ध्यान खींचना चाहते हो और उनको किसी प्रॉब्लम से अवेयर कराना चाहते हो, तो इसीलिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं। तो इस लेटर को लिखने का फॉर्मेट जो कि इससे पहले हम देख चुके हैं, वही फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है, लेकिन लेटर टू एडिटर लिखने के लिए हमें इसकी इंट्रोडक्टरी लाइन और कंक्लूडिंग लाइन पर एक बार गौर करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी लेटर एडिटर को लिखते हैं तो उसमें ये जो इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग लाइन आप देख रहे हैं उन्हीं लाइन में हमें थोड़ा सा फेरबदल करके उस लेटर को लिखना होता है, जबकि कंटेंट जो होता है वो इन्हीं लाइन के बेस पर लिखा जाता है। तो अब जैसा आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी लाइंस और कंक्लूडिंग लाइंस, इसमें एक दो लाइन अगर आप अपने आप से मिला देते हैं तो एक पूरा लेटर जो कि एडिटर को लिखा जाता है वो तैयार हो जाता है। तो अब इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एडिटर को लेटर लिखेंगे और जानेंगे कि एडिटर को लेटर कैसे लिखा जाता है और उस लेटर में इन इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग लाइंस का यूज़ हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जाननी चाहिए वो ये, जब भी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा जाता है तो उसके दो पर्पस हो सकते हैं। पर्पस नंबर वन हो सकता है कि आप किसी कंसर्न अथॉरिटी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी कंसर्न अथॉरिटी को किसी प्रॉब्लम से अवेयर कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि उनका ध्यान उस प्रॉब्लम की तरफ जाए, या फिर आप जनरल पब्लिक इसके लिए लेटर लिखते हो। लाइक, अगर न्यूज़पेपर में कोई खबर निकलती है तो उसका एक मोटिव तो ये हो सकता है कि आप अधिकारी को किसी प्रॉब्लम को लेकर अवेयर कराना चाहते हो, और दूसरा आप जनरली पब्लिक को अवेयर कराना चाहते हो जो भी एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं उनके बारे में, ताकि लोगों को न्यूज़पेपर के ज़रिए उन इश्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सके और वो जागरूक हो सकें। तो इसके दो पर्पस होते हैं, एक तो अथॉरिटीज़ को लिखा जाता है और दूसरा जनता को अवेयर कराने के लिए लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हम कैसे एडिटर को लेटर लिखते हैं और उसमें ये जो सब हम अभी डिस्कस कर रहे थे इसको हमें कैसे अप्लाई करना है। सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दैट। ओके, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है जिसमें हमें एडिटर को लेटर लिखना है। पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद में फिर हम इसे लिखना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ को लेटर लिखना है, रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी। आपके शहर में सड़कों की बदतर हालत को लेकर चिंता जताने के लिए, इट्स इफेक्ट ऑन द डेली लाइफ ऑफ सिटीजन एंड रेलिकेंट अथॉरिटीज इन टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन। सड़कों की बुरी हालत की वजह से लोगों की डे टू डे की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो गई है और जो अधिकारी लोग हैं वो इसको अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, उनका ध्यान इसकी तरफ नहीं है। तो इस लेटर के थ्रू आपको उनको अवेयर कराना है कि वो इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझे और इसे ठीक करने के लिए कोई एप्रोप्रिएट एक्शन ले। तो इसमें हमें ये बात करनी है, सड़कों की बेकार कंडीशन के लिए हमें इस लेटर को लिखना है। किसको लिखना है? चीफ एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया को। और किस लिए लिखना है? जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको अवेयर कराने के लिए, ताकि वो इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकाल सकें। तो आइए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस, जैसा हम इसमें देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सेंडर का एड्रेस गिवन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मान के भी कोई भी एड्रेस रख सकते हैं। उसके बाद में हमें लिखना है डेट लिख देते हैं हम। एंड देन उसके बाद हमें लिखना है रिसीवर का एड्रेस। अब रिसीवर कौन है, किसको लिख रहे हैं हम? ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को। इसको हम पूरा भी लिख सकते हैं, द एडिटर इन चीफ। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंडर का एड्रेस, उसके बाद में डेट हो गई, उसके बाद में हमने लिख लिया रिसीवर का एड्रेस। अब लिख देना है हमें यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। सैल्यूटेशन लिखना है, सैल्यूटेशन में डियर सर
तो इससे पहले जो हमने देखा था इंट्रोडक्टरी स्पीच और फिनिशिंग स्पीच, तो सबसे पहले हमें वो इंट्रोडक्टरी स्पीच लिखनी है, तो हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर एस्टीम का मतलब होता है फेमस या फिर प्रसिद्ध। आपके न्यूज़पेपर के एक फेमस और पॉपुलर कॉलम के तहत या फिर कॉलम के ज़रिए से मैं कंसर्न अथॉरिटी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अब हमें ये लिखना है, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी देन टूवर्ड्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब हो गया कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा किसके प्रति। अब ये जो सब्जेक्ट है इसी को यहाँ पर रिपीट करके हमें रख देना है, लाइक टूवर्ड्स रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। ये हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी लाइन्स जो रीड की थी उसी में से हमने लिखा है, इसमें हमने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। तो इतना हमने लिख लिया, अब हमें इसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जोड़ना है। तो अभी तक हमने ये लिख लिया कि सड़कों की बुरी हालत की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू। फिर हमें इसके आगे डिस्क्रिप्शन देना है थोड़ा, दैट ड्यू टू बैड रोड्स मैनी एक्सीडेंट्स आर इसको हम लिख सकते हैं टेकिंग प्लेस। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों को असुविधा भी हो रही है इसकी वजह से। एंड पीपल आर फेसिंग इनकन्वीनियंस। राइट, पीपल आर फेसिंग इनकन्वीनियंस, लोगों को इसकी वजह से असुविधा हो रही है, ट्रैवलिंग डिफिकल्ट हो गई है, ट्रैवलिंग हैज बिकम डिफिकल्ट। तो यहाँ तक जो हमने लिख लिया है, जैसा हमने बॉडी ऑफ द लेटर्स में पढ़ा था कि स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन, उसके बाद में प्रॉब्लम, उसके बाद सजेशन और सजेशन को अप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो यहाँ हमने प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम वाला पोर्शन हमारा हो चुका है। अब हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन और सजेशन इसे लिखना है, तो जो हमने कंक्लूडिंग लाइन से पहले देखी थी उन्हीं को हमें यहाँ पर रख देना है। तो इसको लिख लेते हैं, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर इसका मतलब है कि अच्छा होगा कि आप इस खबर को अपने न्यूज़पेपर में छापें, जिससे जो भी अधिकारी लोग हैं उनको इस मैटर के इम्पोर्टेंस का पता लगे कि ये जो इशू है ये कितना इम्पोर्टेंट है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कितना डेंजरस हो सकता है। एंड कंसर्न अथॉरिटी विल सी द
ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स एंड सम measures will be taken to solve this problem soon. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आप इस न्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में छापिए जिससे जो अधिकारी हैं उनको इस मैटर की इम्पोर्टेंस का पता लगेगा और वो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेंगे. तो ये हो गया हमारा मैसेज कंप्लीट. अब यहाँ पर हमें एक लाइन का स्पेस देना है, लिख देना है थैंक यू. ऑलराइट, फिर एक लाइन का स्पेस देना है योर्स फेथफुली. और फिर आपको अपना नाम लिख देना है. तो अब क्योंकि नाम कोई क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था तो आप अपनी तरफ से मान के भी लिख सकते हैं अमन सिंह. तो ये हो गया आपका लेटर टू एडिटर. तो जब आपको अथॉरिटीज़ को अवेयर कराने के लिए कोई लेटर लिखना हो एडिटर को तो आप इस तरीके से लिख सकते हो. और दूसरा कि अगर आपको जनरल पब्लिक को अवेयर कराने के लिए लिखना है कि रोड की कंडीशन ख़राब है, आपको ये पब्लिक को अवेयर कराने के लिए लिखना है तो जहाँ जहाँ कंसर्न अथॉरिटी लिखा हुआ है वहाँ पर आप जनरल पब्लिक भी लिख सकते हो. जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी की जगह जनरल पब्लिक लिख देंगे. इसका मतलब हो जाएगा कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा पब्लिक का towards raising concern regarding bad condition of road. Road की bad conditions के लिए that due to bad roads many accidents are taking place and people are facing inconvenience. बेकार रोड होने की वजह से हम लोगों को असुविधा होती है. Traveling has become difficult. Traveling बहुत मुश्किल हो गई है. It will be good if you publish this in your newspaper. अच्छा होगा कि इसे आप अपने newspaper में छापें. एंड कंसर्न अथॉरिटी, अब कंसर्न अथॉरिटी की जगह पर यहाँ पर हमें, क्योंकि हम जनरल पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पब्लिक को अवेयर कराने के लिए अथॉरिटीज़ की जगह पर क्या लिख देना है, जनरल पब्लिक. तो ये हो जाएगा एंड जनरल पब्लिक विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर. तो जनरल पब्लिक को इस मैटर की सीरियसनेस समझ में आएगी एंड सम मेजर्स विल बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जब वो ज़्यादा अवेयर होंगे तो इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द कोई हल निकल सकता है. तो जैसे आप जनरल पब्लिक के लिए लिख रहे हो तो आपको कंसर्न अथॉरिटी के जगह पर जनरल पब्लिक लिख देना है. तो लेटर टू एडिटर इसी तरीके से लिखा जाता है. केवल आपको जो याद रखना है वो फिनिशिंग लाइन और इंट्रोडक्टरी लाइंस. ये लाइंस अगर आपको याद हैं आप इसको याद कर लीजिएगा और इसको आप दिमाग में रखिएगा. जब भी अगर लेटर टू एडिटर आता है आप इसकी हेल्प से उसे बहुत ईजीली लिख सकते हो. तो ये था पोर्शन ऑफ द फॉर्मल लेटर्स. अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में.